हेलो नमस्कार, आप लोग का फान एग्जाम में स्वागत है भाई। और यहाँ पर जो है हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और आपका एग्ज़ाम भी भाई पास में आ गया है ना, कल जो है आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो है अभी से जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक एक बार आपको यहाँ पर। तो अब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है काफ़ी जो है तैयारी कर चुके होंगे। और आज जो है आपको क्या करना है, बस रिलैक्स होना है, ठीक है। आज मतलब आपको 11 तारीख को जो है क्या करना है, पूरा एकदम सो जाना है और कुछ भी नहीं करना है। सुबह में जल्दी जाइए और जो भी आपको लगे कि चीज़ें हमें बोल गई होंगी या जो इम्पोर्टेंट है कुछ ऐसा जो मतलब आ सकता है एग्ज़ाम में, तो उसको जो है रिवीजन अगर करने की इच्छा होगी तो उसको कर लीजिएगा। अन्यथा जो है कुछ पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है, एकदम सीधे जो है अब आपको एग्ज़ाम में जागना है, ठीक है। मतलब जागने का मतलब है पहुँचना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जब जागना फ्रेश होना और आराम से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचाना। तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी क्या क्या लेकर जाना चाहिए इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। इस पर मैंने एक बार भी वीडियो बनाया था, तो यहाँ पर फिर से आप बात करूँगा। उससे सबसे पहले आपके मैं कमेंट्स को देखूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले कमेंट्स की यहाँ पे बात की जाएगी, तो उनके ऊपर मैंने बताया था कि कमेंट्स आपको जिस हिसाब से आएंगे उनका भी मैं यहाँ पे जवाब दूँगा। चलेंगे कमेंट्स की तरफ अपने। तो भाई कमेंट सेक्शन में हम आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला है कि वास्ट प्रिकॉशन वी रिक्वायर, तो मतलब हमें जो है क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए भाई, अगर आप जो है यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट है, ठीक है, हर्षित यादव, आप जो है ओल्ड स्टूडेंट है, तो आपको सारी चीज़ें पता है कि मतलब करना क्या है। बट फिर भी आपको यही कहूँगा कि पिछली गलतियाँ, मतलब जो पिछली बार गलती की, तो उन गलतियों को इस बार नहीं करना है। कोशिश ये करना है कि जितने क्वेश्चन आपको सही सही आ रहे हैं उतने आपको आराम से करना है। पेपर टफ आएगा, आसान आएगा, उस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए। देखिए, पेपर अगर टफ आएगा तो सभी कम करेंगे, ईजी आएगा तो सभी ज़्यादा करेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर परेशान मत बिल्कुल होकर। आपने जिन चीज़ों को पढ़ा है उनका रिविज़न आप कर चुके होंगे, बाकी एग्जाम में जाके उनको अप्लाई करना है, वहाँ पे एकदम सही आंसर देना है, ठीक है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा आप उसको ही जो है सबसे पहले करने की कोशिश करिएगा, यही आपके लिए यहाँ पे जो सजेशन रहेगा। और सावधानीपूर्वक जो अपने जो है मार्क शीट फिल कीजिएगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जो आईडी वगैरह आपका है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है या आपके पास आधार कार्ड नहीं तो पैन कार्ड होगा, जिसमें जो आपका एक फ़ोटो होना चाहिए या तो वोटर आईडी हो, इस प्रकार की जो है एक आईडी लेकर जाना है। और आपको अपना फ़ोटो पेस्ट कर लेना, अभी उसको भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। फ़ोटो आपको लगाना है, उन चीज़ों को भी मैं दिखा दूंगा। एडमिट कार्ड पे ही आपको फ़ोटो सिग्नेचर लगाना है। और एक जो रजिस्ट्रार वहाँ पे दिया जाएगा उसके बारे में भी बता दीजिए भाई, रजिस्ट्रार के यहाँ पे कुछ भी आपको साइन नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देख रखा है यहाँ पे क्वेश्चन, सर एनडी और मेरठ में एडमिशन के लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। देखिए, एनडी और मेरठ के लिए आपका जो है क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, तो देखिए पेपर के ऊपर है मेन चीज़, पेपर के ऊपर। पेपर कैसा आएगा, ईजी आएगा, हार्ड आएगा? ईजी आएगा भाई, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सभी ज़्यादा करेंगे, है ना। तो 100 प्लस आपको मान के चलना है, मतलब 110 जो आपको कम से कम रखने की कोशिश करना है। अगर पेपर ईजी आया तो, हार्ड आया तो 100 हो तो भी भाई बेस्ट हो, ध्यान रखिएगा। ईजी और हार्ड दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बना के चलना है। तो ईजी आता है तो कोशिश करना कि ज़्यादा ज़्यादा हो सके, लेकिन ये नहीं कि मतलब ईजी आया तो ज़्यादा ज़्यादा करने के चक्कर में गलत ज़्यादा कर देना। तीन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। 110 अगर आप लेकर आ जाएंगे कम से कम तो सही सही हो, ये नहीं कि काटने पीटने के मतलब सब कुछ बाद वाला। तो मतलब कोशिश करना कि सही से जो उतना अगर टिक आपका हो गया सब कुछ काटने पीटने के बाद, अगर उतना बच रहा है मतलब 110 के हिसाब से अगर आप नंबर जोड़ेंगे, तो उसमें 3 का मल्टीपल करने के बाद जो लेस आए, मतलब सब कुछ घटाने जोड़ने के बाद 110 अगर क्वेश्चन आपके बच रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो आपके लिए क्या होगा, वो यहाँ पर दिला सकता है आपको एनडी और मेरठ में, ठीक है। विथ क्वेश्चन वी फिनिश फर्स्ट एंड दी विच वी डू लेटर। देखो भाई, आपको मतलब जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट हो उसको सबसे पहले करो, ठीक है। जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है मतलब जिसमें आपका फोकस, अगर आप जो एग्रीकल्चर के हैं मतलब पीएजी वाले हैं, तो आपका एग्रीकल्चर सबसे अच्छा होगा, है ना। उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद जो भी आप सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी कर पा रहे हैं, एग्रीकल्चर की जो बायोलॉजी उसको करो, फिजिक्स अगर आपके अच्छे हैं तो फिजिक्स करो, केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री करो, मैथ के जो क्वेश्चन है अगर अच्छे हो तो करो, और भाई आपका जीएस मतलब जो भी आपका हो जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट हो उसको सबसे पहले करो। अगर आप बायोलॉजी पीसीबी ग्रुप के हैं तो उसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहाँ पे बायोलॉजी और आपका जीएस हो जाएगा, तो उसमें से जो आपका सब्जेक्ट हो, अगर बायोलॉजी ग्रुप का स्टूडेंट तो उसका बायोलॉजी ऑब्वियसली जो है भाई अच्छा ही होगा। तो आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो आप बायोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट करो, उसके बाद जो है आपका जो दूसरा हो अच्छा उसको स्टार्ट करो। मैथ स्टूडेंट तो आप वैसे उसी प्रकार से करना है। दूसरा क्वेश्चन मैथ और बायोलॉजी वालों का रहता है कि सर जो हमारे में न्यूमेरिकल कितने किस प्रकार से आएंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में होंगे। तो भाई देखिए, आपका यहाँ पे जो है 70% जो है आपका थ्योरी अगर रखा जाए और 30% जो है क्या करते हैं न्यूमेरिकल रखा जाए। तो इसी प्रकार से मतलब इसे अगर 50 क्वेश्चन है तो उसमें जो 35 के आसपास जो है क्या रहेंगे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन ना हो के थ्योरी के क्वेश्चन, और 15 जो परसेंट रहेंगे यानी 15 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, परसेंट नहीं 15 क्वेश्चन
15 क्वेश्चन नहीं, 15 से 16 भी हो सकता है, 13 से 14 भी हो सकता है, ठीक है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा इधर उधर दो चार डाटा हो जाते हैं। तो उतने क्वेश्चन जो है आपके क्या रहेंगे, न्यूमेरिकल के रहेंगे। न्यूमेरिकल भी बहुत हाई लेवल का आपका नहीं रहता है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे नेक्स्ट आपका कमेंट किया, थैंक्स सर नीड दिस वीडियो, थैंक्स भाई। और कितने स्टूडेंट, देखिए 18,059 स्टूडेंट जो है इस बार यूजी के लिए आपका फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है। तो एमएससी के स्टूडेंट अगर आए तो आप जो है काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं, तो आपको जो है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती एग्ज़ाम देने में, और क्योंकि आपको जो है सारी चीज़ें पता हो जाती हैं। आप जो है इंट्रेंस दे के 4 साल जो है ग्रेजुएशन करने के बाद जो है इसमें जो है फिर से अपेयरिंग होते हैं, तो आपको जो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजी वालों की बात की जाती है, यहाँ पे जो देखिए एक वीडियो अगर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए होगा जो नए वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उनके लिए जो नए वाले जो पहली बार एग्ज़ाम यूपी क्रैक करेंगे। सर थोड़ा कॉन्फिडेंस जाएगा, यस भाई कॉन्फिडेंस जाएगा नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप जो है सबसे पहले अच्छा जो सब्जेक्ट हो उसको करोगे तो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आएगा। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाई, यस पेपर जो आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा। हाँ एक चीज़ और ध्यान देना, पेपर में जो अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत है हिंदी में, अगर मान लीजिए गलती है, तो उसका इंग्लिश में जो दिया होगा वही सही माना जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। कभी भी हिंदी वाले को सही नहीं माना जाता, जो भी इंग्लिश में दिया है उसी को सही माना जाएगा। तो ये भी आपके दिमाग में बिठा लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हिंदी में गलत है उसको तुरंत इंग्लिश में देखने की कोशिश करिएगा। आपको अगर नहीं आती तो बात गलत है, ठीक है। वो बात गलत का मतलब है कि कम से कम इतना तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए कि आप जो है अगर हिंदी क्वेश्चन कोई गलत हो तो उसको इंग्लिश में देखकर सही कर सके, ठीक है। मतलब इसे कि इजी क्वेश्चन पता चले उसमें मिस प्रिंटिंग है तो आप उसको भी छोड़ दो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आकाश सर क्वेश्चन पेपर पर टिक कर सकते, भाई देखो टिक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टिक कर क्यों नहीं सकते, मतलब टिक तो ऐसे लगा ही देते सब, लेकिन टिक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पेपर जमा हो रहा है तो हमें टिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए अगर पेपर जमा हो रहा है तो टिक नहीं करना चाहिए, और अगर पेपर नहीं जमा होता तो फिर आप टिक करो, लिपा पोती कुछ भी करो, कोशिश करिएगा टिक ना हो, ना तो ओमार सीट पे हो, बेस्ट सबसे बड़ी बात कि ओमार सीट पे किसी भी कीमत पर टिक कहीं भी नहीं लगाना कोई भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा मोंटी भाई, इसको ध्यान रखिएगा। अनंत सिंह का जवाब था भाई पेपर हिंदी इंग्लिश, और सचिन पटेल यहाँ पे हो गए, गार्जियन सिंह माई होबी सबका हो गया। नीचे कौन बच रहा भाई, प्रदीप कुमार, ओमार सीट कैसे भरे भाई, अभी नीचे दिखा रहे हैं उसको भी भर के भाई। प्रदीप कुमार कितने सही करने होंगे, देखिए भाई आपको सिलेक्शन लेना है तो सही जो है आपको 110+ कम से कम करना है कि चारों यूनिवर्सिटी में से कहीं कहीं आपको सिलेक्शन हो जाए, और 110 अगर आप आराम से कर लेते हैं तो भी आपका जो है कोई टेंशन के बिना जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्री रिसर्च सुपरवाइजर का पेपर नहीं होगा क्या, ऐसा तो है नहीं कि भाई फॉर्म भरवाएगा और पेपर नहीं होगा, ठीक है। पेपर होगा, आप लोग जो है परेशान नहीं है, बस अपनी तैयारी को अच्छे से करिए ताकि ये ना हो कि पेपर हो और उसमें ना हो अगले का इंतजार करो, तो ऐसा ना हो। पेपर का इंतजार करें अच्छी बात है, एग्ज़ाम का इंतजार करें अच्छी बात है, एग्ज़ाम डेट का इंतजार अच्छी बात है, बस इस चीज़ का भी थोड़ा सा ख्याल रखो कि आपको तैयारी भी उस हिसाब की कर लो भाई, और कुछ नहीं है, ताकि पेपर जिस दिन हो उस दिन ये ना लगे कि भाई हमने जो है कहीं पे कसर छोड़ दिया, कोई पॉइंट हमारा रह गया, थोड़ा सा और समय बढ़ जाता। संदीप राज किस टॉपिक पर सर, देखो भाई टॉपिक आपका इस प्रकार का है कि जो स्टूडेंट को लास्ट में आके परेशान करता है कि हमें जो है क्या क्या लेके जाना है, कैसे मतलब करना है, वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब जो नए स्टूडेंट उनके लिए। अक्षय कुमार यदि हम मोबाइल लेकर जाएं तो हम लोग मोबाइल कहाँ रखेंगे, देखो भाई हर सेंटर पे व्यवस्था होती है, ठीक है। कहीं कहीं होता है कि चार्ज लेते हैं, कहीं कहीं जो है चार्ज नहीं लेते। चार्ज लेने का मतलब क्या है कि कहीं कहीं आपको बैग रखने का जो है 10-20 रुपये लेंगे, 50 रुपये भी कहीं कहीं ले लेते हैं, तो इस प्रकार का वहाँ सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। वैसे कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल ना लेके जाएं तो इसी ज़्यादा बेहतर है, मोबाइल को ऐसा क्या काम भाई, पेपर अगर देने जा रहे हैं तो मोबाइल का क्या काम। लेकिन हाँ अगर आप अकेले आ रहे हैं डायरेक्टली सेंटर पर जा रहे हैं तो मोबाइल तो साथ में होना भी चाहिए, तो मोबाइल वहाँ पे जमा हो जाएगी, परेशान उसको नहीं लेकर होइए, ठीक है। हर जगह सेंटर पे सिस्टम बना हुआ है। बाकी इतने लोग का भी भाई कमेंट आया है, ज़्यादा लोगों का कमेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो है अब हम बढ़ेंगे दूसरी तरफ। शुभम अग्रारी सबका कमेंट हो चुका है, ठीक है, बढ़ेंगे अब जो है अब। तो चलो भाई हमने कमेंट को देख लिया, अब जो है देख लेते हैं कि भाई ओमार सीट को कैसे फिल करना है, ठीक है। ओमार सीट के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ओमार सीट को आपका कई प्रकार की मिल सकती है, जैसे कोई फिक्स नहीं होता कि इस प्रकार की मिलेगी या इस प्रकार की मिलेगी या इससे डिफरेंट मिलेगी, तो आपको किसी भी प्रकार की मिल सकती है, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। आपको मेन चीज़ जो देखना है वो चीज़ है क्या, वो चीज़ आपके लिए है कि इसको फिल कैसे करना है। तो मैंने एक जो है इसका भाई बनाया है, प्ररूप तैयार किया, स्ट्रक्चर बनाया कि इस प्रकार से आपका हो सकता है। अभी नहीं एक मतलब जो है आपका जो है इसी फॉर्मेट में ही रहेगा, फॉर्मेट में मतलब कि आपका एग्जैक्ट इसी जगह पे ये रहेगा। मतलब हो सकता है कि आपका रोल नंबर जो है इस साइड दिया हो, या जो है रोल नंबर आपका यहाँ पे दिया हो, ग्रुप नेम जो लास्ट में दिया, मतलब आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है कि फील कैसे करना है, ठीक है। तो रोल नंबर जैसे आपका जो भी दिया रहेगा, जैसे कि रोल नंबर आपका 6 नंबर का है, ठीक है, रोल नंबर आपका 6 नंबर का है, तो आप क्या करेंगे इसमें लिखेंगे 2,
इसमें तीन, इसमें चार, पाँच, छः, सात, ठीक है, तीन चार पाँच छः सात हमने लिख दिया इस प्रकार से। अब इनको क्या करेंगे आप भाई, फील करना शुरू करेंगे। अब देखिए आपका दो है तो दो को यहाँ पे पकड़ोगे ऐसे, ठीक है, पहले दो इसको पकड़ लो, उसके बाद तीन है यहाँ पे टिक लगाया, चार है यहाँ पे, पाँच है यहाँ पे लगाया, छः है यहाँ पे लगाया, सात है यहाँ पे लगाया। अब इन चीज़ों को एक बार पहले फील करोगे आप, ठीक है, इन चीज़ों को आप क्या करोगे पहले फटाफट फील करोगे। चलो भाई तो यहाँ पे जो है आपका, अब देखिए यहाँ पे जो आपका रोल नंबर जैसे कि हमने सिंपली ले लिया 2 3 4 5 6 7 ले लिया है, अब आपका यहाँ पे 6 डिजिट का रहेगा। तो आपको फील कैसे करना है, जैसे कि आपका 2 दिख रहा है तो 2 वाली लाइन में ना यहाँ पे 2 दिख रहा है, ठीक। अब 3 दिख रहा है तो 3 में ही फील करना है, यानी कि 3 का जो है दूसरे खाने में चला जाना, जस्ट इसका एग्जैक्ट ऊपर से नीचे देखना। 4 यहाँ पे, इसका यहाँ पे, 5 है तो यहाँ पे लिया, 6 है तो यहाँ पे लिया, 7 है तो यहाँ पे। देखिए एक चीज़ और कि खाना भाई पूरा कमरे नहीं कि मतलब खाना एक भर रहा है तो दूसरे का पड़ोसी वाले का भी खाना भर देना, ऐसा नहीं। देखिए इस चीज़ को समझिए, हमने किया क्या कि भाई जैसे कि जो 3 के सामने था, 2 के सामने, तो 2 के सामने वाले खाने को भरे। अब देखिए 3 यहाँ पे इस खाने में है और ऊपर से ये वाला हमारा खाना बना, ये नहीं कि 3 तो यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी इस खाने, नहीं ऐसा नहीं करना है। 4 यहाँ पे तो 4 को खाना मिलाते आओ इस तीसरे नंबर पे, और यहाँ पे जो है 4 इस नंबर में, 5 यहाँ से लेकर आओ और 5 यहाँ से मिलाओ, 6 इधर से, 6 इधर से, 7 इधर से। ये लाइन आपको बनाना वहाँ पे नहीं, एक केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ होशियार रहते हैं ऐसा कर देंगे, तो इसलिए उनको बताना ज़रूरी है कि समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब तो ये तो हमने एक जो है सिंपल सा डाटा लिया था, अब जैसे इसमें थोड़ा सा डिजिट को अगर चेंज करेंगे भाई तो कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए उसने दिया 6 3 4 3 2 1, इस प्रकार से दे दिया, मतलब डिफरेंट कर दिया उसने, तो आपको इसको कैसे फील करना है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे अगर। तो भाई आपको देखिए, अब 6 यहाँ पे है तो पहले इस चीज़ को समझेंगे, 6 आया भाई तो आपको इसको भरेंगे कहाँ पे, 6 को भरेंगे कहाँ। अब देखिए 6 जब यहाँ पे है तो 6 इस नंबर में देखेंगे, 6 है कहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे पहले इसको फिल करेंगे ऐसे, गोला पूरा एकदम आपको उसी गोले को भरना है। अब 3 यहाँ पे दिख रहा है तो 3 को ऐसे पकड़ते यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ पे आया, इसको फिल कर दो, ऊपर से आना उसी लाइन में फिल करना है। देखिए अब यहाँ से 4 को हम पकड़ते पकड़ते आएंगे, 4 यहाँ पे, लाइनिंग वहाँ पे पेन मत चलाना, ये पेन आपको समझाने के लिए बताई जा रही है, ये जो चलाई जा रही है पेन केवल समझाने के लिए बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 3 यहाँ पे तो 3 को लेके आओ यहाँ पे, फिर से इसी लाइन में बनेंगे, 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, अगर फिर से मान लीजिए 3 रहता तो क्या करते, 3 इसी में ला के हम भरते, ठीक है, इस चीज़ को समझ रहिएगा। अब आगे जैसे ग्रुप नेम आपका, तो आपका जो ग्रुप रहेगा उसको यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, जो भाई पी सी एम है पी सी बी है, पी ए जी, जो भी ग्रुप रहेगा, तो आपको इसको यहाँ पे मान लीजिए पी ए जी ग्रुप है, उसको आपने लिखा तो इसको जो है इस बॉक्स को फिल कर देंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। सेंटर कोड आपका जो भी रहेगा, मान लीजिए आपका कोड जो है यहाँ पे दे रखा है भाई 3 4 5, इस प्रकार से कोड दिया, तो आपको उसको फिल कर लेना भाई 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो इसको फिल कर लेना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पर दिया रहेगा, नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पर जो इनविज लेटर रहेगा उससे पूछेंगे, जो वहाँ पर आपका ड्यूटी कर रहेगा उससे पूछ लीजिएगा, ठीक। और ग्रुप कोड आपका जो दे रखा रहेगा तो वो भी आपके मतलब एडमिट कार्ड पे ही मेंशन है, ठीक है, सबसे ऊपर ही वो आपका मेंशन है, जहाँ पे आपका रोल नंबर दे वहीं पे जो है उस चीज़ को भी मेंशन किया। अभी सब मैं जो है एडमिट कार्ड एक लेकर आऊँगा तो वहाँ पे जो है सारी चीज़ें दिखा दूँगा, ठीक है। तो ग्रुप कोड वहाँ से आपका आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका 1 और 3 दे दिया, तो 1 आपको यहाँ पे फिल करना है, 3 भाई यहाँ पे फिल करना, ठीक है, ध्यान। बुकलेट सेट एक रहेगा आपका, जो प्रश्न पत्र रहेगा वो जब आपको मिलेगा तो उसमें जैसे मान लीजिए बुकलेट आपका सी मिला तो सी यहाँ पे भरेंगे, उसके बाद सी वाले गोला को टिक मत करना, इसको फिल करना, रंग देना। बुकलेट नंबर एक रहेगा तो बुकलेट नंबर में आपका डिजिट भी हो जाता है, लेटर भी हो जाता है, तो उसको जो आपका जो दिया रहेगा उसको फिल करना है। लैंग्वेज भाई आप कौन से दे रहे हैं पेपर, हिंदी में दे रहे हैं तो इस पर गोला बनाओ, हिंदी इसमें लिख दो, ध्यान रखना। इंग्लिश दे रहे हो तो इंग्लिश यहाँ पे टिक करना, और जो मतलब एक गोला को फिल करना और यहाँ पे जो इंग्लिश लिख देना। अब आप क्वेश्चन पर जब आएंगे तो इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन पर जब आएंगे तो क्या करेंगे भैया, अगर सी है तो सी में ही भरना, ये ध्यान का, और फर्स्ट के ही सी में भरना, अगर फर्स्ट कर रहे हो तो फर्स्ट के ही सी में भरना, सेकंड का कर रहे हो तो सेकंड में ही भरना, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आप जब मान लीजिए 2 नंबर आपको नहीं आ रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, 2 नंबर करो ही, तो 2 के बाद छोड़ो, तीसरा अगर आ रहा है तो तीसरे का जो भी है मान लीजिए बी है तो बी पे हमने टिक किया, बी को बस ऐसे फिल करना। जब अगर कोई अगर मान लीजिए एक आध अगर गलती हो तो उसको जो है थोड़ा सा कैसे कर देना भाई, नाखून से उसको हटा के बना लेना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे वाइटनर वगैरह मत लगाना, क्योंकि नहीं तो कंप्यूटर को समझ में ही नहीं आएगा कि भाई आपने पेपर दिया है कि मजाक किया है, ध्यान में। अगर एक आध गड़बड़ होगा, ये नहीं कि मतलब सब लीप दी हो, नाखून से उधोरो उसको, तो सब गड़बड़ जाए, ठीक है, तो एक आध अगर होगा गड़बड़ तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपका जो है, और यहाँ पे जो है
तो भाई जैसे देख रहे हैं एडमिट कार्ड आपको एक दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आपको मैंने वहाँ पे बताया था। इसमें जो है आपको देखिए ग्रुप यहाँ पे दे रखा है, ग्रुप नेम आपका यहाँ पे रहेगा, तो ग्रुप नेम मेंशन कर दीजिएगा वहाँ पे जैसे आपने उमर सीट में देखा था। और आपका ग्रुप कोड देखिए यहाँ पे 03 दे रखा है, तो ऐसे जो है आपका कोड ग्रुप का जो रहेगा वो कोड दे रखा रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। टाइमिंग वगैरह आपका यहाँ पे दे रखा है, भाई जैसे इनका दे रखा है कि 12:08 को एग्ज़ाम है 2021 और 9 AM टू आपका 12 PM एग्ज़ाम दे रखा है, ठीक है। नून यहाँ पे लिखा है, मतलब दोपहर तक आपका इनका एग्ज़ाम है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो आपका रिसेंट में फ़ोटो है उसको नहीं लगा के जाना है, जो आपने एडमिट कार्ड के समय मतलब एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो दिया है उसी चीज़ को लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि वही वैलिड वहाँ पे रहेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका फ़ोटो ही नहीं आया होगा, ठीक है, तो उनको भाई सेंटर पे थोड़ा से पहले जाके वहाँ पे संपर्क करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक्स्ट्रा फ़ोटो लेकर जाएंगे सेंट्रल यहाँ पे जो जहाँ पे भी उनका होगा वहाँ पे थोड़ा सा उनको पहले जाना पड़ेगा और रिपोर्ट वहाँ पे करना पड़ेगा, ये भी नोटिस में आपका दिया गया। कुछ लोग का फ़ोटो जो है मिसिंग है या गड़बड़ आया हुआ है, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगा लेना है, आपका जो फ़ोटो आपने एडमिट कार्ड पे है वही फ़ोटो आपको लगाना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे रजिस्ट्रार दे रखा वहाँ पे कुछ भी लीपा पोती नहीं करनी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका रोल नंबर है भैया। और यहाँ पे देखिए नीचे जो आपको क्या देगा, एग्जाम एड्रेस, देखिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर कोड भी दे रखा है, यहाँ पे देखिए एग्जाम सेंटर कोड 506 दे रखा है, तो सबका अलग अलग होगा, ये नहीं कि मतलब सबका एक ही जैसा होगा, सबका डिफरेंट होगा, सबका अलग, ये नहीं कि मतलब सब लोग अपने में 50 बन देना कि सर जी बताया 506 है, दिमाग मत लगाना ज़्यादा। और यहाँ पे सेंटर दे रखा है, तो सेंटर भाई अपना अपना सब देख के सेंटर भी आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ पे क्या कहते हैं बुकलेट पे भी लिखना पड़ता है, तो बुकलेट पे ही लिखना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अदर्स जो है आपके डाउट्स अगर जो भी हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, उनको भी आपको बता दीजिएगा। बाकी जो है आज कुछ भी नहीं करना है, बस दबा के खाना और दबा के सो जाना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।